खाते थे। मेरे पिताजी ताई बेचते थे, माँ चौका बर्तन करती थी। अरे भैया, और आपको भीख मंगवाता था भरी जवानी में, हैं? अब्बास को पकवान खिलाता था। मतलब इन अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा, जिस पिता से जन्म लिया। क्या कह रहे, पिताजी ताई बेचते थे, चाय बेचते बेचते कभी उन्होंने देश बेच दी, आपने चर्चा नहीं लेकिन की। कल बड़ी दुखी ही मीडिया सारी, सदमे में थी। ये विधवा विलाप कर रहे, इनके समझो घर में कोई सदमा हो गया। ये महाराष्ट्र में नहीं भी दुखी थे, मध्य प्रदेश में दुखी नहीं थे, कर्नाटक में दुखी नहीं थे। इनका रोजगार का साधन था, इनके दो दो डिप्टी सीएम थे बिहार के इशुओं पर। आज जो गिरिराज सिंह भोंकता फिरता है, अलग अलग धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, जिस शरीयत कानून की बात कहता है और जिस आदमी पर एलिगेशन लगाता है उसी के साथ बैठकर उसी के सहयोग से, गिरिराज सिंह की औकात नहीं कि चुनाव लड़के जीत ले। वार्ड काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत सकता। अरे सुनिए, बिहार की जनता का अपमान क्या है आप लोगों? कौन है रविशंकर प्रसाद? ये लोग खुदगर्ज लोग हैं, सत्ता के हवसी लोग हैं। रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह जैसे गिरे हुए दो कौड़ी के लोगों ने कभी, जो बिहार आजादी से पहले 40% चीनी उत्पादन करता था, पूरे देश में मिठास घोलता था, आज एक तो नीम ऊपर से करेला। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुने ना, सुनने में बेशर्मो, कितने साल बिहार में डबल इंजन की सरकार रही है बोल तो लो। खाओ ना भारत माँ के मिट्टी की कसम, खाओ ना अपने धर्म शास्त्रों की कसम, खाओ अपने परिवार के लोगों की कसम। बताइए नीतीश के साथ है या? मैं जो पूछ रहा हूँ इतना जवाब दो, दलाली भरवागिरी मत करो, मैंने जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। आजादी के पहले 40% चीनी उत्पादन होता था, आज क्यों नहीं? जो प्रधानमंत्री है सुनते नहीं रहे, फिर पैसा मिला है भांडगिरी करने का, सुन दो पहले। जो प्रधानमंत्री बिहार के सभी जिलों में जाकर, मढ़ौरा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, दरभंगा में गए तो चीनी मिल चालू कर दूंगा, जूट मिल चालू कर दूंगा, तब भैया इतने दिनों से क्या तथैया के नाच नाच रहे थे? जो बिहार और झारखंड बंटवारा के बाद रघुराम राजन की कमेटी की रिपोर्ट थी, अब तो सब चालू हो जाएगा। सुन रहे, अरे बेशर्मो सुन तो लो, फिर बात काट रहे हो। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, विशेष राज्य का दर्जा, बात उसकी करो। बिहार में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुला का ब्रांच खुला किशनगंज में, उसकी फंडिंग की बात करो, बात करो बिहार में। अरे क्या बोला मैं, मिल गया। पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करो, बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, दक्षिण बिहार, सुनो, अरे हकला मत बनो, ए चुप। पहले जो 24 बिहार नदियों में, बहुत तकलीफ, गलत बात है, हमारा राज्य मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा और तुम दलाली करने में मशगूल हो। अरे बेशर्मो शर्म करो, बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव कम हो गया, चिंता का विषय है। ए बेशर्मो सुनो, ए दलालो सुबह, आप जैसे लोगों पर आदमी बिहार की जनता अभी विरोध की है, ये जूतों की बरसात करेगी। बिहार में बाढ़ आया हुआ है नेपाल के कारण, वहां डैम नहीं बनता, वहां नहर परियोजना लागू नहीं होती। अगर सरकार ने ध्यान दिया होता तो बिहार में छोटे और लघु कुटीर उद्योग बसते। सरकार में तो आपके चाचा ही रहे हमेशा, चाहे इधर रहे या उधर रहे। अच्छा हो गया कि कुछ बोलोगे? पहले ये तो बताइए चाचा, सुन लो, अरे सुन लो, आप बुजुर्ग आदमी को क्या कहोगे? अरे क्या कहोगे, बुजुर्ग आदमी को चाचा नहीं कहोगे? इतने बदतमीज हो, भाजपा वाले हो ना आप, तो चकला घर वाले चलाते हो। अरे नाबालिग लड़कियों का देह व्यापार करने वाले, बेशर्मो शर्म करो, सत्ता के हवसियों खुदगर्जों, आप लोगों का जमीन मर गया, आप लोग नमक हराम लोग हो। अरे कुत्तों से सीखो, अरे सुनो कुत्तों से सीखो, कुत्ता भी, अरे सुनो, कुत्ता जिसका रोटी खाता है, हम जो पूछ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ सुने रहे। भाजपा के जो भी विरोध में होगा, भाजपा चूंकि देशद्रोही पार्टी के लोग हैं, भाजपा देश की कंपनियों, बिल्कुल नहीं, अरे सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो पहले, सुने रहे, बोले दोगे तो खुद ही कर लो, हमारा चैनल नहीं है। झंडा फहराओ, देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, बस हो गया, बात कर रहे आप, हो गया, अब थोड़ा शांति रखना, अब हमें भी बोलने दो यार, इतना भी मानते हैं कि 2-4 रुपया दलाली में मिला है तो सब भी बोल लोगे। अरे सुन लो, अरे सुन दो लो बेशर्मो, आज ही वीडियो वायरल हुआ कि राशन दुकान पर राशन वाला कह रहा है कि जब तक झंडे नहीं लोगे तब तक हम राशन नहीं देंगे। उस गरीब आदमी के पास
राशन लेने का पैसा नहीं है, दो वक्त का रोटी खाने का पैसा नहीं है, उस आदमी पर आप कैसे थोप सकते हो? जिस तरीके से आपने कोरोना काल में 150 रुपया में सुने रहे, अरे सुन तो लो बेशर्मो, सुन तो लो, जो पहले सुनो, 150 रुपया अपना थोपरा घर घर तक दिखाने में लगाए थे, तो क्या 20 रुपया के झंडा देने की औकात मोदी जी की नहीं है? हैं? सवाल नहीं पूछोगे, सवाल नहीं पूछोगे कि ये जो अरबों रुपए के विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं, क्या मोदी जी फ्री में घर घर 20 रुपए का झंडा नहीं दे सकते? और इन्होंने 52 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा क्यों नहीं फहराया? और ये अमृत महोत्सव काल की बात है, अरे सुने रहे भाई, तो अपने कंगना दीदी वाले आजादी का अमृत महोत्सव बनाओगे 1947 वाले जो हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी? ये तो बता जाओ कौन सी कुर्बानी, 2014 वाली आजादी का मना रहे हो अमृत महोत्सव कि 1947 में जो पूरा भारत कुर्बानी दिया, आजाद कराया, वो वाला मना रहे हो? बता दो, तब उसको वाई प्लस दोगे? वाह वाह वाह, राम मंदिर का चंदा घोटाला घर के खाओगे? हैं, गिट्टी चोर को पुलिस हाजत से कोर्ट से फरार करा दोगे? बिहार छोड़ के कहीं और क्यों भाग रहे हो? सीधी सीधी बात बताइए आप चाचा, बिहार देखिए, वैशाली, वैशाली जो है, अरे सुन रहे, अरे सुन रहे, चाचा के पास आइए, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पटना में रहिए, वैशाली में, चाचा ने आपकी पुंगी बजाई, क्यों परेशान हो? जवाब, अरे क्यों परेशान हो, अगर सुनो, अरे सुन लो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना ही समर्थन वापसी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, भाइयों बहनों कितना दू, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,25,000 करोड़, तो क्या हुआ? गद्दारी करी कि नहीं करी? सुन लो पहले बात, ये गद्दारी नहीं है, बिहार की जनता देशभक्ति है, क्या है ये महाराष्ट्र में क्या है? अरे महाराष्ट्र में क्या है? अरे महाराष्ट्र में क्या है? क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? आप बताइए ना, क्या है? पूछ रहे हैं, आप रोटी खा रहे हो ना? सवाल मेरा, आपने बिहार में पहुंच गए, कर्नाटक नहीं पहुंचोगे, मध्य प्रदेश नहीं पहुंचोगे, गोवा नहीं पहुंचोगे, तब पहुंचोगे कहाँ? मुजरा गाओगे भाजपा आईटी सेल में, और जो बोलेगा तब सिर्फ हो जाए। सवाल करो कि ऋषि अग्रवाल जैसे लोगों के 10 लाख करोड़ माफ कैसे हुए, जो मुफ्तखोरी की बात हो रही थी, तो ऋषि अग्रवाल का भाग जाना, नीरव मोदी मेहुल चौकसी का भाग जाना, ये देश हित में नहीं। चलिए ठीक है, या आप निश्चित तौर पर भाजपा के अंडोले हो, अंधभक्त हो, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो, आपके दिमाग में भूसा भरा है, कुत्ता गधा और आदमी तीनों की योनि बनता है, तो आप जैसे अंधभक्त पैदा लेते हैं।